दीपांश वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। झांसी मऊरनीपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र व छात्राओं व शिक्षकों को आग लगने के बाद आग से बचने व उसको बुझाने के उपाय बताए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आग लगने और उससे होने वाली जान माल की हानि से बचने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम के द्वारा समूचे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर लोगों को आग लगने के बाद क्या क्या उपाय करने चाहिए तथा किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए इसके बारे में कार्यक्रम आयोजित कर जानकारियां दी जा रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे आग लगने से कोई जनहानि ना हो सके। इसी के चलते झांसी जनपद के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में भी कोतवाली पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने मऊरानीपुर के सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में स्कूली छात्र छात्राओं शिक्षकों को कार्यक्रम आयोजित कर आग लगने के बाद क्या क्या उपाय करने चाहिए तथा किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए आदि के बारे में जानकारियां दी हैं। मऊरानीपुर फायर ब्रिगेड के प्रभारी नरेंद्र कुमार मिश्रा ने अपनी टीम के साथ नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पहुंचकर विद्यालय के छात्र छात्राओं व शिक्षकों को आग लगने के साथ ही बताया कि आग बुझाने के उपकरणों को हमेशा अपने घर और विद्यालय में अवश्य रखें, जिससे कि अगर कभी भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो आप स्वयं आग पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आग अपना विकराल रूप धारण करती है तो तत्काल 100 नंबर पुलिस को सूचना दें। 100 नंबर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकती है तथा जनहानि होने से बचाया जा सकता है। झांसी से गिरबर सिंह की रिपोर्ट।